हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि इस बार जो आपका 2 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर 8 सितंबर के बीच में जो आपका पेपर्स हुआ है जेई मेंस का सितंबर वाला, जो अप्रैल में होना था, वो वैसे तो बहुत डिले हो गया, बट चलिए हुआ तो हुआ, पेपर हो गया फाइनली। और इस पेपर में पूछा क्या क्या गया, क्या कंपोजिशन था पेपर का, उसका डिस्कशन हम आपके सामने एक शॉर्ट एनालिसिस के तौर पे लेके आए हैं। ठीक, हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डेटा आपके सामने वीडियो पे रहेगा। इफ यू वांट टू गो थ्रू द वीडियोस, वेरी वेल। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट, वेलकम टू रे क्लासेस, और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। देखिए, अगर हम 11th और 12th के परसेंटेज की बात करें, मींस जेईई की मेंस के पेपर में 11th का कितना परसेंटेज सिलेबस का कवर किया गया और 12th का कितना परसेंटेज सिलेबस का कवर किया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 12th का 60% था और 11th का 40%, लगभग यही रेशियो था, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब अगर आप जेई में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, जेई मेंस में अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आप ना तो 11th का सब छोड़ सकते हैं, ना आप 12th का छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते। ठीक, चलिए, ये तो ही पहली कि भाई किस क्लास को ज्यादा अहमियत देनी है, तो क्वेश्चन तो डिस्कार्ड हो गया। आप किसी क्लास पर, एक पर्टिकुलर क्लास को ज्यादा अहमियत नहीं दे सकते हैं, आपको टोटल पूरी दोनों क्लासेस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अगर पेपर ओवरऑल देखा जाए तो कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, कितने मॉडरेट थे और कितने इजी थे। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि टोटल, देखिए जितना क्वेश्चंस का डेटा हमारे पास आया उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री का पेपर था उसमें 30% क्वेश्चंस इजी थे, 65% क्वेश्चंस मॉडरेट थे और 5% क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। अब देखिए, ये डिफिकल्ट और मॉडरेट और इजी की डेफिनेशन है, वो कोचिंग टू कोचिंग और बच्चा टू बच्चा डिफर करती है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस कहता है, हमारी टीम का जो एनालिसिस कहता है, वो ये कहता है कि 30% इजी थे, 65% सोसो थे, मीडियम मॉडरेट थे, सोसो नहीं, और 5% डिफिकल्ट वाले थे। फिजिक्स की बात करें तो 50% इजी था, 45% मॉडरेट था, 5% डिफिकल्ट था। केमिस्ट्री, सॉरी मैथमेटिक्स, दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो 35% इजी था, 55% मॉडरेट था और 10% डिफिकल्ट था। तो ठीक है, यह है आपका क्वेश्चंस का मॉडरेट। तो ये कहा जा सकता है कि केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर मॉडरेट रेंज में था और फिजिक्स का पेपर इजी रेंज में था, ये कहा जा सकता है। तो इन जनरल ये कहते हैं कि बच्चों देखो, बहुत हैवी टाइप के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस आप अगर आप मॉडरेट भी कर ले जाते हैं तो हर पेपर में आप 50% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने मॉडरेट लेवल की तैयारी भी की, भैया जेई की तैयारी कर रहे हो, तो इजी से मॉडरेट में आ जाओ और उसकी तैयारी डेफिनेटली कर लीजिए। और अब हम आते हैं कि अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो हम केवल मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो एलजेब्रा से आपके टोटल 88 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जितना डेटा हमारे पास आया है उसके हिसाब से यहां टेबल पर हमने दिया हुआ है कि इजी कितने थे, मीडियम कितने थे और डिफिकल्ट कितने थे। ठीक, तो एलजेब्रा में हमने ऑब्जर्व किया कि आपके मॉडरेट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, डिफिकल्ट कम थे, डिफिकल्ट ओवरऑल ही कम थे। तो 88 क्वेश्चंस में लगभग आपके 25 इजी थे, 55 मॉडरेट थे और 8 डिफिकल्ट थे। ठीक, ट्रिगो का बहुत कम पोर्शन पूछा गया, 2 क्वेश्चंस मॉडरेट और 2 क्वेश्चंस इजी, टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोऑर्डिनेट अच्छा खासा पूछा गया था, 39 क्वेश्चंस, इजी एंड मॉडरेट का डिफिकल्ट एक भी नहीं आया था, इजी मॉडरेट की रेंज में ही सारे क्वेश्चंस थे। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर्स और मिसलेनियस, इन सबको देखा, मिसलेनियस का तो हमें कोई क्वेश्चन दिखा नहीं, इंटीग्रल डिफरेंशियल का आपको 39, डिफरेंशियल कैलकुलस का 46, इंटीग्रल कैलकुलस का 33 और वेक्टर्स के 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये है आपका ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन दिस सितंबर सेशन ऑफ जेईई मेंस एग्जाम। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आप किस चैप्टर, आपका फोर्टे जो है उसको आप कितना एम्फेसाइज करें, कितना, इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर लीजिए और आगे की तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है, आई होप कि ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।